पर नजर टिकी है, वापिस हम पर नजर टिकी है, फिर से आज जमाने की अब आशाएं मचल उठी है हिंदुस्तान बनाने की, हिंदुस्तान बनाने की। मैं नमन करूंगा यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मतदान दिवस पर लोकतंत्र सशक्तिकरण में युवा मतदाताओं की भूमिका शीर्षक पर मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। लोकतांत्रिक सरकार, लोगों की वह सरकार जो लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी जाती है। इस शीर्षक में एक वह शब्द है जिस शब्द के इर्द गिर्द आज सकल विश्व की राजनीति घूमती हुई प्रतीत होती है, वो शब्द है युवा। युवा, मैं युवा शब्द को कभी एक उम्र की विशेष समय सीमा में नहीं मानता। हर वो इंसान जो नई ऊर्जा से संचायमान है वो युवा है। हर वो इंसान जो आज समाज की परिस्थितियों को समझ सकता है, हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार कर सकता है, उन्हें एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकता है, वो युवा है। आखिर मतदान का प्रतिशत कम क्यों रहता है? आखिर मतदाता मतदान स्तर की तरफ क्यों अग्रसर नहीं होता? इसका सिर्फ एक कारण समझ में आता है, वो है वोट की ताकत का पता नहीं होना। जिस लोकतंत्र पर आज हम गर्व करते हैं आखिर उसी लोकतंत्र की इकाई है, आखिर उसी लोकतंत्र की धुरी है वोट। मैं वोट की ताकत की तरफ इशारा करते हुए बताना चाहूंगा कि हम सवाल पूछते हैं, हम जवाब मांगते हैं, हम हिसाब मांगते हैं, हम अपना नेता खुद चुनते हैं। महलों में पैदा हुई औलादें हमारी तकदीर नहीं लिखती, हमारी उंगली उठ सकती है, हमारी मुट्ठी तन सकती है, हमारा हाथ नारों का गान करते हुए लहरा सकते हैं, हमारी आहें चित्कार करती हैं, चित्कारों से हुंकार बनती है, हुंकारों से सरकार बनती है। हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं, हम सरकार बन सकते हैं। कोई बंदूक गोली सिपाही नहीं है, सच कहने की कोई मनाही नहीं है, हम पर तुम पर तरफ जाई नहीं है, कोई जुल्म का दौर तबाही नहीं है। इट्स अ पावर ऑफ अ सिंगल वोट, ये ताकत है एक लोकतंत्र की, ये शक्ति है केवल एक मात्र वोट की। धर्मो रक्षति रक्षिता, लोकतंत्र एक धर्म है, लोकतंत्र एक धर्म है, लोकतंत्र एक धर्म है, और एक वोट इस लोकतंत्र का रक्षक है। सत्ताओं की मंशाओं पर करता अक्सर चोट हूँ, छोटा हूँ पर ताकत भर हूँ, हाँ यारो मैं वोट हूँ, हाँ यारो मैं वोट हूँ। अरे मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, गरीब हूँ, मैं कैसे राजनीति में सशक्त भागीदारी कर सकता हूँ? नहीं, ये ऐसा मतलब नहीं है। अगर आप अपने मत का प्रयोग करते हुए एक हकदार उम्मीदवार को अगर संसद या विधानसभा पहुंचते हैं, सही अर्थों में आपने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया है। संघर्षों के साधक हो तुम, संघर्षों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, तुम ही मुकुट हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो, तुम ही हिंदुस्तान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।